स्वागत है फिर से ऑनलाइन प्लान में। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लगभग नतीजे आ ही गए हैं। बंगाल विधानसभा में टोटल 292 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 75 सीटें जीती हैं और टीएमसी ने 215 सीटें जीती हैं। एक बार फिर से टीएमसी अपना सरकार बनाने जा रही है बंगाल में, तीसरी बार अपना सरकार बनाएंगी। ममता बनर्जी फिर से सीएम बनने वाली हैं। ममता बनर्जी ने बहुत ही टक्कर का जवाब दिया है बीजेपी को। बाकी के दो सीटों में एक कांग्रेस ने जीता है और एक अदर्श ने जीता है। कांग्रेस का बंगाल से पूरा सफाया हो चुका है। पिछली बार की तरह टीएमसी ने इस बार भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछली बार विधानसभा 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी और इस बार लगभग टीएमसी ने 4 सीटें जो है एक्स्ट्रा जीती हैं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बाकी कांग्रेस का पिछले साल बहुत ही ज़्यादा सीटें थी, लगभग 70-75 जीती थी, लेकिन इस बार पूरा सफाया हो चुका है। बीजेपी ने सारा जो है सीटें जब्त कर ली हैं कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में 215 सीटें जीतने के बाद भी टीएमसी को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी हार गई हैं और सुवेंदु अधिकारी जीत गए हैं। सुवेंदु अधिकारी ने खुले तौर पे बोला था कि अगर मैं नंदीग्राम सीट से हार जाता हूँ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जैसा कि ममता बनर्जी ने बोला था कि विधानसभा चुनाव में खेला होगा और सच में खेला हुआ। मोदी जी बोले थे कि यहाँ पे विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पे उनको वोट नहीं मिला वहाँ पे और सच में यहाँ पे बंगाल में खेला हो गया। तो देखते हैं, देखते एक बार फिर से टीएमसी जो अपना सरकार वहाँ पे बना रही है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। तो बीजेपी अच्छे से समझ गई होगी कि टीएमसी को मात देना इतना आसान भी नहीं है। आपकी क्या राय है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेके, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।